नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्र एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट टू क्लासों में हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल हम और भी सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपनी बुक की सहायता से जो न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं उनका सोल्यूशन आप खुद कीजिए। नहीं आता है तो नेक्स्ट की जो क्लासे होंगी एक दो क्लासे उनमें न्यूमेरिकल और बताए जाएंगे, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल होते हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। कौन सा है? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या तथा आंतरिक प्रतिबाधा, यह अपना टॉपिक है। अभी हमने फर्स्ट में नेटवर्क थ्योरी पढ़ी थी, नेटवर्क थ्योरी में उसके टाइप्स पढ़े थे हमने। तो नेटवर्क थ्योरी में नेटवर्क के जो टाइप्स थे हमने पढ़ा था, फोर नेटवर्क टर्मिनल, टू नेटवर्क टर्मिनल और थ्री नेटवर्क टर्मिनल पढ़ा था। नहीं, सभी को ध्यान है, अच्छे से याद भी होगा। अब उसमें जो ये अपना परिचालन बिंदु प्रतिबाधा होती है, इसके लिए हम कहें कि प्रत्येक जो फोर टर्मिनल जाल में क्या क्या पाया जाता है, एक टर्मिनल युग्म तो क्या होगा? निवेशी होगा। किसके रूप में होगा? एक जो टर्मिनल होगा यानी कि फोर टर्मिनल नेटवर्क में एक टर्मिनल युग्म तो किसके रूप में होगा? निवेशी के रूप में होगा। जो दूसरा होगा वो किसके रूप में होगा? निर्गम के रूप में होगा, यानी कि दूसरा निर्गम द्वार के रूप में होगा। और ऐसा यदि है तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं टू टर्मिनल नेटवर्क, यानी कि द्विद्वारक जाल। तो देखते हैं, प्रत्येक फोर नेटवर्क टर्मिनल किसके रूप में होता है? में एक टर्मिनल किसके रूप में होगा? एक टर्मिनल युग्म निवेशी के रूप में, निवेशी के रूप में। तथा दूसरा किसके रूप में काम करेगा? तथा दूसरा निर्गम द्वार के रूप में कार्य करता है। क्या बताया गया है कि प्रत्येक फोर नेटवर्क टर्मिनल में एक टर्मिनल युग्म जो होगा वो निवेश युग्म के रूप में या निवेश द्वार के रूप में होगा, तथा दूसरा जो होगा वो निर्गम द्वार के रूप में कार्य करता है। इस नेटवर्क को द्विद्वारक जाल कहते हैं। क्या कहेंगे इस नेटवर्क को? द्विद्वार जाल कहते हैं। अब इसमें दे भी रखा है, आई वन करंट प्रवाहित हो रही है, E1 वोल्टता है, E2 वोल्टता है। I1 और E1 ये तो किसके लिए है? I1 और E1 ये निवेश के लिए है, निवेश टर्मिनल के लिए है। और I2 और E2 किसके लिए है? निर्गम टर्मिनलों पर आधारित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि निवेशी टर्मिनलों को किसी जनित्र के द्वारा तथा निर्गम टर्मिनलों को किसी लोड ZL से जोड़ दिया जाए तो जो परिपथ का व्यवहार होगा वो चार राशियों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, क्या बताया है कि जो ये सर्किट डायग्राम है इसमें कहा गया है कि यदि निवेशी टर्मिनलों को, जो निवेशी टर्मिनल है इसको किसके द्वारा कनेक्ट किया जाए? किसी जनित्र के द्वारा, किसी जनित्र के द्वारा। जो निर्गम टर्मिनल होंगे I2 E2 इनको किसके द्वारा कनेक्ट कर दिया जाए?
जेड एल के द्वारा। जेड एल क्या है, किसी लोड जेड एल, यानी कि कोई लोड है जिसे किससे जेड एल से व्यक्त किया जाता है, इन दोनों से जोड़ दिया जाए तो इस नेटवर्क थ्योरी को चार राशियों से स्पष्ट किया जा सकता है। कौन कौन सी है वो राशियां हैं E1 I1, E2 I2। यानी कि दूसरी बात क्या लिखेंगे हम, यदि निवेशी टर्मिनलों को किससे जोड़ दिया जाए, किसी जनित्र से तथा निर्गम टर्मिनलों को किससे जोड़ते हैं भाई, निर्गम टर्मिनलों को किससे जोड़ते हैं, किसी लोड ZL से जोड़ दिया जाए तो क्या हुआ, परिपथ का व्यवहार किस रूप में कार्य करेगा, परिपथ का व्यवहार चार राशियों E1 I1 E2 I2 से स्पष्ट किया जा सकता है। जोड़ दिया जाए तो परिपथ का व्यवहार चार राशियों, कौन कौन सी राशियां, चार राशियां E1 I1 तथा E2 I2 से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या बताया उसके बाद में, सबसे पहले तो क्या कहा है कि जो प्रत्येक फोर नेटवर्क टर्मिनल होगा उसमें एक टर्मिनल युग्म निवेशी के रूप में कार्य करता है तथा दूसरा निर्गम द्वार के रूप में कार्य करे, तो ऐसे नेटवर्क को टू टर्मिनल नेटवर्क कहा जाता है। उसके बाद में क्या कहा गया है कि यदि निवेशी टर्मिनलों को किसी जनित्र से जोड़ दिया जाए तथा निर्गम टर्मिनलों को किसी लोड ZL से जोड़ दिया जाए तो परिपथ का व्यवहार चार राशियों E1 I1 तथा E2 I2 के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करें कि यहां E1 क्या है, E1 E2 और I1 I2 क्या है। E1 तो क्या है, निवेशी टर्मिनलों पर आरोपित उल्टा, निवेशी टर्मिनलों पर आरोपित वोल्ट, यही है। इसी प्रकार E2 क्या होगा, E1 क्या है, निवेशी टर्मिनल पर आरोपित वोल्टता, E2 क्या है, निर्गम टर्मिनल पर आरोपित वोल्ट। I1 क्या होगा, निवेशी करंट, निवेशी धारा। I1 क्या होगी, निवेशी धारा। I2 क्या होगी, निर्गम धारा। I2 क्या होगा, निर्गम धारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक हमने मुख्य बातें जो सर्किट डायग्राम में दे रखी थी वो पढ़ी है। अभी तक क्या पढ़ा है, जो सर्किट डायग्राम में आपको दे रखा है उसका अध्ययन किया है। और क्या अध्ययन किया है कि जो फोर नेटवर्क टर्मिनल होता है उसमें जो युग्म होते हैं किस किस के रूप में होते हैं, निवेशी और निर्गम युग्म टर्मिनल के रूप में होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये जो टर्मिनल होते हैं, निवेशी टर्मिनलों को तो किसी जनित्र के द्वारा जोड़ा जाता है तथा
निर्गम टर्मिनलों को किसी लोड के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो ये चार राशि से स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ चार राशि हमारे को दे रखी है E1, I1, E2, I2। उसके बाद में अब जो मेन बात है वो है कि निवेशी वोल्ट था E1, वह निवेशी धारा I1 का अनुपात। क्या कह रहा है कि निवेशी वोल्ट तो क्या है E1 और निवेशी धारा क्या है, निवेशी वोल्ट था E1 और निवेशी धारा I1, इन दोनों का अनुपात। फिर लिखना है कि जबकि परिपथ के अन्य सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उनकी जगह क्या प्रतिस्थापित कर दिया जाए, आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया गया हो तो वह कहलाता है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। क्या कहलाएगा? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा किसे कहेंगे? निवेशी वोल्ट था E1 व निवेशी धारा I1। फिर क्या लिखना है? जबकि परिपथ के अन्य ऊर्जा स्रोत, भाई परिपथ के जो अन्य ऊर्जा स्रोत होंगे उनको हटा करके उनके स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर दिया जाए, आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया हो तो जो परिचालन वो परिपथ होगा वो कहलाएगा परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, या उसे हम निवेशी प्रतिबाधा ZIN भी कहते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे? निवेशी वोल्ट था कौन सी? E1। निवेशी वोल्ट था E1 तथा निवेशी धारा कौन सी है? I1। निवेशी धारा I1 का अनुपात, यही बोला है हमने। क्या कहा है कि निवेशी वोल्ट का जो E1 होगा तथा निवेशी धारा I1 होगा उसका अनुपात कब? जबकि परिपथ में क्या कर दिया जाए, परिपथ में अन्य सब ऊर्जा स्रोत, अन्य सब ऊर्जा स्रोत क्या कर दिया जाए, अन्य सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें किनसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उन्हें आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर किया गया हो, उन्हें आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया गया हो, प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया गया हो क्या कहलाता है? यानी कि निवेशी वोल्ट E1 तथा निवेशी धारा I1 का अनुपात जबकि परिपथ में अन्य सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें आंतरिक प्रतिबाधाओं से जोड़ दिया जाए या आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या होगा? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाती है। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा, या क्या कहलाएगी? निवेशी प्रतिबाधा, जिसे किससे व्यक्त करते हैं? ZIN कहलाती है। यहां तक भाई किसी को दिक्कत हो तो बता दें। क्या कहा है कि निवेशी वोल्ट था E1 व निवेशी धारा I1 का अनुपात जबकि परिपथ के अन्य सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित किया जाए, ये किया गया हो तो क्या कहलाता है? परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा ZIN कहलाता है। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं कि इस प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या कहलाएगा? इस प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? इसी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम परिचालन बिंदु प्रविश्यता Y कहलाता है। क्या कहलाएगा? इस प्रतिबाधा का क्या? व्युत्क्रम परिचालन बिंदु, व्युत्क्रम परिचालन बिंदु क्या कहलाता है?
प्रवेश्यता कहलाता है, जिसे किससे व्यक्त करते हैं, वाई एन से व्यक्त कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात की है कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा क्या होती है और इसका यदि उल्टा होगा, इस प्रतिबाधा का व्युत्क्रम परिचालन बिंदु होगा, वो क्या कहलाएगा, प्रवेश्यता वाई एन कहलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इन इक्वल ई वन अपॉन आई वन, और वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई वन अपॉन ई वन। इसमें किसी को डाउट, जेड परिभाषा से ही कह रहे हैं, निवेशी वोल्टता ई वन, वह निवेशी धारा आई वन का अनुपात क्या कहलाता है, जेड इन कहलाता है। इसका उल्टा क्या कहलाएगा, प्रवेश्यता कहलाएगा वाई वन। यहां तक किसी को दिक्कत, ये कब होगा, जब अन्य सब वोल्टता स्रोत के विद्युत वाहक बल का मान क्या हो, शून्य लिया गया। कोष्ठक में क्या लिख रहा है, जब अन्य सब ऊर्जा स्रोतों के किसका मान, विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान क्या लिया जाए, शून्य मान लिया जाए। यहां तक आपको प्यारे विद्यार्थियों पहले टॉपिक डालना है परिचालन बिंदु प्रतिबाधा तथा आंतरिक प्रतिबाधा, उसके बाद आपको सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके बाद पहले आपको समझना है और इस रूप में आपको नोट से बनाना है, ये आपके नोट से भी कंप्लीट होने चाहिए और आपका जो थ्योरेटिकल बातें मैंने बताई है वो भी आपके याद होनी चाहिए। जैसे ही क्लासे ऑफलाइन होगा या क्लासे ऑफलाइन होंगी तब ये चेक किया जाए, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ओके okay.